हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड एक्सट्रीमली गुड। सो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के टॉप 10 एमसीक्यूज। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो लो लेवल से लेकर के हाई लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम क्यों ना हो। सो वीडियो को आप पूरा देखना, साथ में खुद को चेक करना कि इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये वही क्वेश्चन है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। सो नो डाउट ये आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जैसे कि राष्ट्रपति आदेश के अनुसार, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स को देख सकते हो जो कि मैंने एक्स्ट्रा फिल करके रखे हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ भी आप देख सकते हो जैसे कि संसद को जो है वो कानून बनाने का अधिकार है, तो संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। तो प्रारंभ में अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या, तो वो थी 7, फिर 1956 में ये बढ़कर 10 हो गई, 1960 में 13 हो गई, 1977 में जो है वो 17, 1985 में 25 और 2008 में 30। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 33। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जज बनने के लिए जो है वो एक प्रमुख योग्यता रखी गई है कि उस व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना होगा। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। सो दिल्ली को जो है वो NCT यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है वो संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है 63 अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट या फिर 76th अमेंडमेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69th अमेंडमेंट। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 69th संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, 1991 में, जिसके अंतर्गत जो है वो दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि NCT की स्थापना जो है वो कब हुई थी, कब जो है वो पूर्ण हुई थी, तो ये आप बताएंगे 1 फरवरी 1992 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात पास चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या फिर 30 लाख। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख। सो अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, तो ये केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी जो है वो 20 लाख से ऊपर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है जैसे कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में है, या फिर राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो इनमें से आपको जो है वो सही विकल्प चुनना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है और राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण जो है वो मंत्रिपरिषद में निहित होता है। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लिया जाता, ये लिया जाता है राज्यपाल के नाम पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के जो है वो प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः जो है वो राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। तो यहाँ पे आपके पास कुछ भाषाएं दी गई हैं जैसे कि सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, सांथली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली।
तो आपको बताना है कि 2003 के 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। सो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं यहाँ पर। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 और 5। तो बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली को जो है वो 2003 के 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और अगर बात करें सिंधी की, तो सिंधी को जो है वो 1967 में शामिल किया गया था। बात करें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली की, तो इसको जो है वो 1992 में शामिल किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ धार्मिक समुदाय हैं, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। तो आपसे पूछा गया है इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा जो है वो किन्हें मिला गया, किसे मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि इन सभी को जो है वो भारत में जो है वो अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों का दर्जा जो है वो मिला हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। सो यहाँ पे आप जो है वो इन ऑप्शंस को देख सकते हो। सो अगर बात करें इसके राइट ऑप्शन की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी, इसमें जो है वो 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। सो बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, सो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 72 में बताया गया है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, आर्टिकल 143 बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 360 के बारे में बताया गया है वित्तीय आपातकाल से संबंधित, और आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक बताया गया है कि ये भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कार्यों का इसमें समावेश है। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा संविधान जो है वो सही है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बात करें राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 1, 2 और 3, जैसे कि आर्टिकल 72 सही है, आर्टिकल 143 भी सही है और आर्टिकल 370 भी सही है। बात करें आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से ये संबंधित है, ना कि भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको बताना है बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके पास जो है वो ऑप्शन इस प्रकार है, 1765, 1764, 1763 या फिर 1762। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो चलिए इसी के साथ जो है वो वीडियो एंड करते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है वो भाई बहनों के साथ शेयर करें, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो इससे आगे जो है वो वीडियो आती रहेंगी। ये हमारा जो है वो, आप इसको पार्ट 1 या क्लास 1 बोल सकते हो। तो इसके बाद जो है वो हम डेली जो है वो इन क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।